500 सालों के लंबे इंतजार के बाद रामलला अपने जन्म स्थान पर लौट चुके हैं। गर्भगृह में रामलला की मूर्ति स्थापित हो चुकी है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरा देश राममय हो चुका है। जैसे किसी घर में शादी ब्याह गृह प्रवेश कोई बड़ा काम होता है, मुंडन वगैरह जो भी अच्छा काम होता है, उसके पहले एक सेंटिमेंट जागने लगता है ना कि अब 2 दिन अब 3 दिन, वैसा वाला माहौल हो गया है। अच्छा, कल मैं भी अयोध्या पहुंच रहा हूं। अयोध्या से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊंगा, एक एक तैयारी दिखाऊंगा। पाठशाला इस बार सैटरडे संडे को भी आएगी, स्पेशल एडिशन पाठशाला का आएगा सैटरडे संडे 9 बजे। राम मंदिर के लिए प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राम मंदिर में अनुष्ठान जारी है। देश के कोने कोने से रामलला के लिए उपहार भेजने का सिलसिला ही नहीं थम रहा बॉस। देश भर में कैसा माहौल है इसकी तस्वीरें आगे दिखाऊंगा, लेकिन पहले प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों की एक झलक देख लीजिए। आज रामलला की प्रतिमा को राम मंदिर के गर्भगृह में तैयार किया गया, किए गए आसान आसन पर स्थापित कर दिया गया। एक तरह से करीब 500 साल के लंबे इंतजार के बाद रामलला अपने जन्म स्थान में लौट चुके हैं। अब 22 जनवरी को बस प्राण प्रतिष्ठा होनी, मंत्रोच्चार और पूरे विधि विधान के साथ रामलला को उनके आसन पर विराजमान किया गया। और आप तस्वीरें देखते जाइए। अच्छा, ये मूर्ति आ गई है, लेकिन कोई देख नहीं पाया है कि कैसी, कौन सी मूर्ति है, कैसी मूर्ति, सब ढका पुता हुआ है। अरे वो उस दिन देखेंगे तो एकदम इमोशन फटेगा, उस दिन वो वाला हाल होगा। इस दौरान संतों के साथ रामलला की मूर्ति तैयार करने वाले मूर्तिकार योगी राज भी मौजूद रहे। रामलला की मूर्ति को आसन पर स्थापित करने में करीब 4 घंटे का वक्त लगा। हालांकि अभी रामलला की मूर्ति को पूरी तरह ढककर गर्भगृह में स्थापित किया गया है। कोई वहां मोबाइल भी नहीं ले जा सकता, नहीं तो पता चला टप से फोटो खींचे अब बुबला पूरे दुनिया में फैल गया। तो इसलिए अभी रामलला की मूर्ति की कोई फोटो नहीं आई है, किसी ने देखा नहीं है दुनिया में बाहर। जो वहीं जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, जो मूर्तिकार हैं, यही लोग बस देख पाए, और उसमें भी मूर्ति ढकी हुई है, सब ढक दिए हैं। 22 तारीख इंतजार कीजिए, तब दिखेंगे रामलला। अब आज रामलला के भोग के लिए सीतापुर से एक राम भक्त 101 किलो का लड्डू लेकर पहुंचा। 101 किलो के लड्डू के साथ ही 11-11 किलो के 10 और लड्डू भी भोग के लिए लाए गए। ये देखिए, ये लड्डू हैं भैया, इतने बड़े बड़े पहाड़ जैसे दिख रहे हैं, ये लड्डू हैं। सीतापुर से रामलला के लिए आए 101 किलो के लड्डू पर हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए। मेरे पीछे देख सकते हैं, ये विशेष प्रसाद लेकर आए हैं सीतापुर से यहाँ पर, और ये 101 किलो का लड्डू है। उसके अलावा 11-11 किलो के 10 और लड्डू हैं। तो ये भगवान राम के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। ये लड्डू गोपाल रानी सती मंदिर, वहाँ सीतापुर से ये लोग आए हैं और अब भगवान को यहाँ पर अर्पित करने वाले हैं। तो ये विशेष लड्डू का प्रसाद है, जहाँ पर ड्राई फ्रूट्स और शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करके और चांदी के वरक के साथ इसको यहाँ पर लेकर आए हैं। बहुत ही खूबसूरत है, ये भक्तों का प्यार है। ये बताएगा सचिन तोमर जी हमारे साथ हैं। सचिन जी, ये जो लड्डू हैं, क्या विशेषता है इनकी? बहन जी, ये लड्डू सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि ये खुद इसे लड्डू गोपाल जी लेकर आए हैं। सबसे बड़ी विशेषता तो इनकी ये है, लेकिन मैं आपको और बता दूं, ये हमने स्वयं अपने हाथों से बनाया, हमने हमारी सारी टीम ने, और ये शुद्ध देसी घी के हैं, मोतीचूर का लड्डू है। आज इनके द्वारा ही आज रामलला जी को भोग लगाया जाएगा। रामलला के स्वागत के लिए रामायण सीरियल के कलाकार भी अयोध्या पहुंच गए। टीवी सीरियल रामायण में प्रभु राम, माता सीता और लक्ष्मण के किरदार में नजर आए अरुण गोविल, दीपिका और सुनील लहरी अयोध्या पहुंचे। ये देखिए, तो रामलला पहुंचे हैं मंदिर में, और जिन्होंने रामायण में राम जी का किरदार निभाया, सीता जी का किरदार निभाया, लक्ष्मण जी का किरदार निभाया, अब वो भी पहुंच गए अयोध्या। जब ये सभी कलाकार अयोध्या की गलियों में निकले तो पूरा माहौल राममय हो गया। लोग इनके पैर छू के आशीर्वाद लेते हुए नजर आए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले तीर कमान थामे साधु संत भी अयोध्या में दिखाई दिए, जिनसे हमारे सहयोगी ने तीर कमान के साथ अयोध्या आने की वजह पूछी। आप भी सुनिए कि साधुओं ने तीर कमान के साथ अयोध्या आने का फैसला क्यों किया। ये देखिए, तीर कमान के साथ ये लोग पहुंचे हैं, सुनिए क्या बता रहे हैं क्यों तीर कमान के साथ। बाबा जी लखनऊ के करीब से यहाँ पहुंचे हैं और साथ में तीर धनुष तूणीर समेत लेकर आए हैं। तो ये आप धनुष भी है, तूणीर भी है, तरकस में आपके तीर भी हैं और आप कनक भवन के सामने खड़े हुए हैं, क्या चाह रहे हैं? सीताराम सीताराम कर रहा, राम का मंदिर जल्द बन जाए। तो आप इसके साथ अभ्यास भी करते हैं क्या? हाँ, बचपन से रखते हैं, बचपन से खेलते हैं। तो आप क्या रेगुलर बेसिस पे इसको चलाते हैं? जरा निकाल के दिखाइए, ये आपका धनुष दिखाइए।
जो दुष्टों जो राम कार्य में बाधा डालेगा ना, उसको हम लोग चखना चूर कर देता हूँ। ये हूँ जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। बोलो राम तब मिलेगा हराम, नहीं तो जीना होगा हराम। जय श्री राम। जो राम का है वो इस भारत का काम का है। पूरा सेंटिमेंट एकदम जो है छलक रहा है। लोग कह रहे हैं कि जो राम का है वही इस देश के काम का है। कह रहे हैं जो दिक्कत खड़ी करके तीर मार देंगे, मारिएगा मत बाबा जी। उधर महाराष्ट्र के ठाणे में राम भक्तों ने किताबों की मदद से राम मंदिर का मॉडल तैयार किया। ये देखिए, इस तस्वीर को देखिए, किताबों से तैयार किया गया ये मंदिर बिल्कुल अयोध्या में बन रहे राम मंदिर जैसा नजर आ रहा है। राम मंदिर के इस मॉडल को तैयार करने के लिए 60,000 से ज्यादा किताबों का इस्तेमाल हुआ है। अगले 10 दिनों तक लोग किताबों से तैयार किए गए इस राम मंदिर के दर्शन कर सकते। गुजरात के जबलपुर में तो भगवान के प्रति आस्था जताते हुए छात्रों ने मानव श्रृंखला से राम नाम को उकेर। ये पब्लिक है बॉस, ये लोग हैं। ड्रोन शॉट्स में देखिए, जो राम नाम लिखा है वो छात्रों ने मानव श्रृंखला बनाकर लिखा है, और जो आसपास घूम रहे हैं वो भी छात्र हैं। ये देखिए, तो ये अलग अलग भावनाएं, अलग अलग तरीका लोगों का 22 तारीख के इस कार्यक्रम के पहले अपनी राम भक्ति को थोड़ा सा दिखाने का। लेकिन आपके पास भी एक मौका है पाठशाला के एक बेहतरीन स्टूडेंट होने का, अपना परिचय देने का, क्योंकि अब यूनिट टेस्ट का दूसरा सवाल आ गया है। और आज का दूसरा सवाल है कि पाकिस्तान को किस मुस्लिम देश ने घर में घुसकर मारा है? ए अफगानिस्तान, बी ईरान, सी सऊदी अरब या डी कतर? और इसका जवाब आपको स्कैन करके देना है। वो QR कोड मच्छर वाला मच्छर लेके भाग गए लग रहा है तो अभी आएगा थोड़ी देर में, तो उसको चलाइए, लोग वोट करेंगे। मुंबई में नीचे चल रहा है, नीचे वो मच्छर लेके नीचे रख दिए। मुंबई में राम भक्तों ने शिवाजी पार्क में शानदार लाइटिंग की मदद से राम मंदिर का मॉडल तैयार किया, वो देखिए। राम मंदिर के इस मॉडल के साथ ही भगवान राम और उनके सामने हाथ जोड़े राम भक्त हनुमान की तस्वीर भी बनाई गई है, देखिए जरा। इसी तरह प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों की कुछ और तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले यह भी जानिए कि रेलवे ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह को यादगार बनाने के लिए क्या तैयारी की। जानकारी के मुताबिक रेलवे ने 21 और 22 जनवरी को देश भर में राम के नाम से जुड़े रेलवे स्टेशनों को दीयों से रोशन करने की योजना बनाई। आंकड़ों के मुताबिक देश में 8,900 से ज्यादा रेलवे स्टेशन है, जिनमें से 354 रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जिनके नाम किसी ना किसी तरह से प्रभु राम से जुड़े हैं। 55 रेलवे स्टेशन तो ऐसे हैं जिनके नाम की शुरुआत में ही राम है। इनमें उत्तराखंड के रामनगर और यूपी के रामपुर से लेकर तमिलनाडु के रामेश्वरम जैसे रेलवे स्टेशन शामिल हैं। इसी तरह 12 रेलवे स्टेशन के नाम में माता सीता का नाम शामिल है। इसमें यूपी के सीतापुर और बिहार के सीतामढ़ी जैसे रेलवे स्टेशन शामिल है। 21 और 22 जनवरी को राम और सीता जी के नाम से जुड़े इन रेलवे स्टेशन पर लाइटिंग की जाएगी और दिए जलाए जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा से पहले उत्सव मना रहे राम भक्तों की तस्वीरें भी देख लीजिए। ये तस्वीर बिहार से के समस्तीपुर की है। समस्तीपुर से राम भक्तों ने रामलला के लिए 5100 से ज्यादा उपहार भेजे। इस मौके पर समस्तीपुर के राम जानकी मंदिर में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में शामिल हुए लोग सिर पर रामलला के उपहार रखकर नाचते गाते नजर। ये देखिए, जय श्री राम बोल बोल के बच्चे गोद में लेकर महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे, बूढ़ी माता जी, और सब जो है वो श्री राम जानकी मंदिर से ये 5100 गिफ्ट लेकर ये लोग निकले। 5 किलोमीटर लंबी इस राम धुन यात्रा में 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु शामिल हुए। यात्रा के दौरान एक रथ पर अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का मॉडल भी नजर आया और लोग राम धुन पर नाचते हुए भी दिखे। हैदराबाद में भी, जो ओवैसी जहां से सांसद हैं, हैदराबाद में भी प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों में जुटे राम भक्तों ने भाग्य लक्ष्मी माता मंदिर से कलश यात्रा निकाली। उत्तराखंड में राम प्राण प्रतिष्ठा को लेकर गजब का उत्साह दिखा। देहरादून के मशहूर क्लॉक टावर पर लाइट शो का आयोजन हुआ। ये देखिए, वहां राम जी दिख रहे हैं क्लॉक टावर पर। लाइट के जरिए क्लॉक टावर पर प्रभु राम की तस्वीर उकेरी गई। इसके अलावा देहरादून में राम धुन पर लेजर शो भी हो रहा है। अब अयोध्या पहुंचे एक और राम भक्त को देखिए, जिसने अपनी लग्जरी कार को राम के रंग में रंग दिया। ये देखिए, ये राम भक्त गुजरात से राम के रंग में रंगी कार को लेकर अयोध्या पहुंचे हैं। भगवा रंग में रंगी इस कार पर प्रभु राम के साथ ही राम मंदिर की तस्वीर बनाई गई। ये देखिए, दरवाजे की तरफ प्रभु श्री राम है
दिए जल रहे हैं बोनट पर, और जो बोनट है आगे का हिस्सा उस पर जो राम मंदिर है उसको उकेरा गया। गुजरात से अयोध्या पहुंचे इस राम भक्त को एक बार सुन भी लीजिए। उस पेपर हम गौरव विषय है भारत का, इसलिए हम हर दर गौरव विषय पे यात्रा करते हैं। कुछ ना कुछ आजादी का अमृत महोत्सव, चंद्रयान 3, G20, ऐसे हमने 5 बार यात्रा की है। एटले ये भारत गौरव विषय, राम जन्मभूमि जो मंदिर का निर्माण हो रहा है इस विषय पर हमने यात्रा की, सूरत गुजरात से इधर अयोध्या की। पश्चिम बंगाल के बीजेपी विधायक अशोक कीर्तनिया ने बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर बांग्लादेश के हिंदू समुदाय को अक्षत सौंपा और इस दौरान दोनों देशों के बॉर्डर की सुरक्षा में तैनात जवान वहां मौजूद। अयोध्या के राम मंदिर में से के पूजित अक्षत बांग्लादेश में राम भक्तों को सौंपे गए हैं। इस दौरान बांग्लादेश और भारत बॉर्डर एरिया में जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। यानी हर तरफ सीमा नहीं दिख रही बॉस, ना आस्था की सीमा दिख रही है, ना जो भावनाओं का तूफान आ रखा है उसकी कोई सीमा है, और हर वक्त इस वक्त हर तरफ जो है वो प्रभु श्री राम की चर्चा हो रही है, राम मंदिर की चर्चा हो रही है। और इसलिए मैंने आपको कहा कि मैं भी कल अयोध्या पहुंच रहा हूं, और अब अयोध्या से पाठशाला चलेगी अगले 3-4 दिन। सैटरडे संडे को भी पाठशाला में ग्राउंड से अयोध्या से आपको स्पेशल एडिशन पाठशाला का दिखाऊंगा।